हेलो दोस्तों, मैं हूं रामजी टेक्निकल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप में वीडियो नहीं चल रहा है उसके बारे में। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लैपटॉप में यूट्यूब वीडियो नहीं चल रहा है, तो ये मैं मान नहीं सकता और लैपटॉप में वीडियो ना चले ये मैं होने नहीं दूंगा। तो आज मैं चलिए आपको बता देता हूँ लैपटॉप में वीडियो ना चलने का कारण क्या है और यदि नहीं चल रहा है आपके लैपटॉप में वीडियो तो लैपटॉप में वीडियो कैसे चलाएँ, ठीक है। और रही बात लैपटॉप में यूट्यूब वीडियो नहीं चल रहा है, ये तो हो नहीं सकता। यदि आपके लैपटॉप में ब्राउज़र नहीं होगा तभी नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे गूगल क्रोम डाउनलोड करना है। गूगल में जाकर किसी भी ब्राउज़र में जाकर आप जो है गूगल क्रोम डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि गूगल क्रोम में ऑलरेडी फ्लैश प्लेयर होता है चलाने के लिए वीडियो, तो आपका यूट्यूब वीडियो चलेगा इसमें, ठीक है। तो गूगल, यदि आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप जाकर जो है कोई भी ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। आपके विंडो में जो है विंडो एक्सप्लोरर जो है यहाँ पर देखिए, ये सामने देखिए मिल रहा है, तो न्यू ब्राउज़र, ठीक है। एक्सप्लोरर से जो है अभी विंडो जो है नया ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का जो है यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। इसका नाम है EDG, ठीक है। और ये आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट जो है गूगल क्रोम डाउनलोड कीजिए या फिर आप जो है डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम डाउनलोड करके, यदि आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो डायरेक्ट आप जो है अपने लैपटॉप में जो है इसको गूगल क्रोम को ला सकते हैं, सेंड कर सकते हैं इसका मतलब जो फाइल होता है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करके सीधे आप जो है यूट्यूब वीडियो अपने लैपटॉप में चला सकते हैं। अब बात रही कि कई सारे लोगों की कंप्लेंट्स है कि लैपटॉप में ही वीडियो, मतलब यूट्यूब वीडियो को छोड़ दो, जो लैपटॉप में वीडियो होता है वो लैपटॉप में नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए क्या करना होगा, बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले तो आप चाहें तो स्टोर पर जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि MS स्टोर होता है, ठीक है। MS स्टोर पर जा सकते हैं, सर्च कर लीजिए यहाँ पर STORE स्टोर, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर पिन मांग रहा है, तो यहाँ मैं पिन दे देता हूँ। चलिए भाई, मैंने यहाँ पर पिन दे दिया, तो ये रहा हमारा MS स्टोर। और यहाँ पर हमें एक चीज जो करनी है वो ये है कि हमें यहाँ से डाउनलोड करना है फ्लैश फ्लेवर, अपने फ्लैश प्लेयर अपने लैपटॉप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फ्लैश प्लेयर। अगर आपके लैपटॉप में जो है विंडो स्टोर नहीं है तो आप बाहर से भी इसको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो है मेरे लैपटॉप में फ्लैश प्लेयर है और यहाँ पर जो है आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लैश प्लेयर जो होता है वो आपके वीडियो को रन कराता है आपके लैपटॉप में या किसी भी सिस्टम डिवाइस में। तो या तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फ्री में हो तो, और नहीं हो तो आप सीधे जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल में जाइए, देखिए डाउनलोड फ्लैश प्लेयर फॉर विंडो, लिखेंगे डाउनलोड फ्लैश प्लेयर फॉर विंडो, देखिए यहाँ पर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी एडोब फ्लैश प्लेयर फॉर PC। उसके बाद आप जो है यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में ये जो है डाउनलोड शुरू हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कॉर्नर में कुछ 1 MB का फाइल है। यदि आपके लैपटॉप में नहीं होता है तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद इस फाइल को रन करेंगे। ये फाइल रन होने के बाद जब आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में फ्लैश प्लेयर आ जाएगा तो आपके लैपटॉप में जो वीडियो नहीं चल रहा था वो सारे वीडियो चलेंगे
और आपकी जो दिक्कत है लैपटॉप में वीडियो नहीं चल रहा है वो सब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देखिए मेरे सिस्टम में यहाँ पर फ्लैश प्लेयर है और होता है कभी कभी, देखिए यहाँ पर ये हमने जो इंस्टॉल कर रहा है एडोब फ्लैश प्लेयर, इसमें इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक्चुअली मेरे पास फ्लैश प्लेयर है तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपडेट फ्लैश प्लेयर, ठीक है, अपडेट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हम जो है अलाउ एडोब टू इंस्टॉल अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके में हो तो अपडेट कर लीजिए, हो सकता है ये भी एक कारण है कि आपके लैपटॉप में वीडियो ना चल रहा हो, और नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए तो भी आपके लैपटॉप में वीडियो नहीं चलने की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ जो है सेकंड लगेगा, उसके बाद से जो है आपके लैपटॉप में वीडियो चलने लगेगा। बेसिकली सिस्टम में वीडियो चलाने के लिए लैपटॉप में या फिर किसी भी कंप्यूटर में फ्लैश प्लेयर होना चाहिए, तभी जो है ऑनलाइन वीडियो भी चलाने के लिए एक फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत होती है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या फिर किसी अदर स्टोर से, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड हो चुका है और ब्राउज़र को रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, ये सिक्योरिटी स्कैन कर रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसा है फ्लैश प्लेयर। मैं आपको बता रहा था कि मेरे सिस्टम में जो है कहाँ पर है फ्लैश प्लेयर। इसके लिए हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे देखने के लिए कि आपके लैपटॉप में फ्लैश प्लेयर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए फ्लैश प्लेयर 32 बिट का यहाँ पर दिया गया है, इसको हम क्लिक करके इसको इसकी सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे लैपटॉप में फ्लैश प्लेयर था, इसलिए जो है मुझे सिर्फ अपडेट करना था इसको। तो अभी जो है हमारा जो लैपटॉप है इसमें वीडियो चलने लगेंगे, ठीक है, ना चल रहा हो तो भी चलने लगेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है अभी आप में आपके जो सिस्टम है या लैपटॉप में उसमें वीडियो चलने की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो सेकंड बार जो है रिपीट करके ज़रूर देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट फ्यूचर वीडियो के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।